الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه بهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق الله العلي العظيم <coughs> ये सुर आल इमरान की आयत नंबर अड़सठ और उनहत्तर है सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन हत इब्राहीम तो तस्लीम के तल्ल से एक रिश्त आयतों में जिक्र हुआ था अल्लाह तबारक ने यहू नसारा से फरमाया था कि तुम हत इब्राहिम के तल्ल से आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो वो क्या है हत इब्राहिम एक कहता है हतब्रब्राहीम यहूदी थे दूसरा कहता है नसरा नसरानी थे अल्लाह ने उनका रथ फरमाया हत इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे तारीख़ और हिस्ट्री उठा कर देखें अल्लाह ने यहाँ ही नहीं हस्ट्री हाँ। उठाने की बात की तुम तारीख़ और हिस्ट्री उठा कर देख लो अगर हिस्ट्री थोड़ी भी जानते हो कि हत मूसा अलीलात ततलीम हत इब्राहीम अलीसलातस्लीम के दो हज़ार साल बाद और हत ईसा अलीसलातसलीम बल्कि हत मूसा एक हज़ार साल बाद और हत ईसा इस्लाम तीन हज़ार साल के बाद हैं तो कोई यानी कि हत इब्राहिम का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका तौरे तिन झील बाद में नाजिल हुई जब हतम ईसाएँ हैं तब जाके नाजिल हुई तो एक दो हज़ार साल बाद एक तीन हज़ार साल बाद नाजिल हुई तो कैसे हत इब्राहिम यहूदी हो सकते हैं या कैसे नसरानी हो सकते हैं और तुम्हें हत इब्राहिम के तल्ल से कोई किसी चीज़ का इल्म भी नहीं है वो जिसके नबी हैं यानी कि मैंने नबी बना कर भेजा तो मुझसे पूछो मैं बता रहा हूँ इब्राहिम के तल्लु से वो क्या थे क्या अल्लाह ने फरमाया कि वो दीन हनीफ़ पर थे और मुसलमान थे है ना हनीफ और मुसलमान थे दीन हनीफ़ पर और मैंने बताया था हनीफ का माना होता है बातिल से मुंह फेर कर हक़ की तरफ जाना तो उसे कहते हैं दीन हनीफ ऐसा दिन के जो बातिल से दूर और हक की राह पर क़ायम हो यहाँ से अल्लाह तबरको तारा उन्हीं यहूद नसारा को एक और जवाब दे रहा है अल्लाह तरमाता है इन्नासिब इब्राहीम बेशक इब्राहीम से लोगों में सबसे ज़्यादा करीब हत इब्राहिम से लोगों में सबसे ज़्यादा करीब वो लोग हैं लल्दी तबरो वो लोग हैं कि जिन्होंने हत इब्राहिम की इतबा और पैरवी की थी हत इब्राहिम के ज़माने में हत इब्राहिम ने जब दावत दी है तो जो उन पर ईमान लाए उनकी पैरवी की है ना वो अहले ईमान हत इब्राहिम के मानने वाले वो हत इब्राहिम से ज़्यादा करीब हैं और दूसरे वहादन नबीयो और ये मेरा महबूब ये इब्राहिम से ज़्यादा करीब है वदी आमनू और ये ईमान वाले ये भी हज़रत इब्राहिम से सबसे ज़्यादा करीब हैं यानी अल्लाह ने यहूद व नसारा को जवाब दिया ये यहूद नसारा जो कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम पर हमारा ज़्यादा हक़ है हम उनके ज़्यादा करीब हैं हम उनकी औलाद असल में उनकी कुर्बत का जो दावा है वो इस वजह से है कि बनु इसराइल यहूद नसारा ये बनु इसराइल हैं तो यहूदी और नसरानी जो है वो हत इब्राहिम के बेटे हत इसहाक़ के बेटे हृत याकूब की औलादों में से हैं बनु इसराइल हैं हत इब्राहिम के बेटे दो बेटे हत इस्माइल और हतः इसहाक छोटे बेटे हत इसहाक के हत इस्माईल के ख़ानदान में कोई नबी नहीं है सिवा हुजूर के हत इसल के खानदान हत इब्राहिम के बेटे इस्माईल बड़े बेटे और हतः इस्माईल की औलादों में बस एक नबी आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिवा कोई और नबी नहीं हत इसल के बाद लेकिन हत इब्राहिम के दूसरे छोटे बेटे हत इसहाक उनके बेटे हत याकूब और हत याकूब के बारह बेटे और वो बारह बेटों से जितनी औलादें हुई वो सब अम्ब्याए क्राम उनमें यहूदा एक बेटे का नाम है और उसी की औलाद से यहूदी कहलाए उन्हीं की औलाद यहूदी कहलाए और फिर आगे चलते हुए ये यानी कि बनु इसराइल चले आ रहे थे फिर उन्हीं में हज़रत ईसा तो तस्लिम पैदा हुए अरत ईसी पैदा हुए तो फिर नसरानी आए तो क्या नहीं कि बात यह कि यहूद नसारा बनो इसराइल हैं अम्बिया कराम की औलाद में ऐसे हैं हत इब्राहिम से इनका ये रिश्ता है कि वो उनके ख़ानदान के औलाद में से हैं हत इब्राहिम के यानी कि नस्ल से हैं तो इस अतबार से वो कहते हैं कि हम ज्यादा करीब हैं हम हालांकि और अम्बिया इक्राम का खानदान हत इब्राहिम और हत इसको याकूब के खानदान में अम्बिया कराम हज़ारों अम्बिया कराम आए हैं सत्तर हज़ार से ज़्यादा अम्बिया कराम आए हैं हत याकूब के औलाद में बनो इसराइल में तो इसलिए इनका दावा कि हम हत इब्राहिम के दिन पर हैं हम हत इब्राहिम से ज़्यादा करीब हमारा इब्राहिम पर ज़्यादा हक़ है अल्लाह तन का रद फरमाया कि न इब्राहिम यानी कि ये जो रिश्ता जो है और ये जो ताल्लुक है ये कौन सा रिश्ता ये ईमानी रिश्ता ये दीन का जो ताल्लुक है दीन का रिश्ता है ये ईमानी और ताल्लुक और रिश्ता ये नस्ल से नहीं होता नस्ल से नहीं होता कि मैं फला खानदान की औलाद हूं तू किसी भी खानदान की औलाद हो अगर तेरा अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो खानदान से तू नहीं है है ना अब अगर कोई बंदा यानी कि आले रसूल हो सैयद खानदान से हुजूर के घराने से हो लेकिन अगर वो काफिर हो गया उसके अकायद ख़राब हो गया वो काफ़िर हो गया तो फिर वो आले रसूल नहीं शुमार किया जाएगा वो सैयद नहीं कहलाया जाएगा वो सियादत से खारिज हो जाएगा है ना जैसा कि सर सैयद अहमद ख़ान वो एक पैदा हुआ था नेचरी बिल्कुल यानी उसकी तालीमात देखें उसकी कुरान की तफसीर देखें उसने मुजसात अम्बिया का इनकार कर दिया उसने नबियों के मुजात का बिल्कुल इनकार किया कोई मुआजात नहीं उसने कुछ ना कुछ तावील की है कोई ना कोई यानी कि बहाना इधर से उधर मारा है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा माना कर दिया हत मूसा इस्लाम से रब ने फरमाया अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने मूसा से कहा था वस्तस ख़ाम कौम ही फ़कुल्गुलब्या कर हैजर यानी कि हत मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो अल्लाह ने हित मूसा से कहा था कि ज़ुरब्या कर हैजर अपने असा को पत्थर पर मारो बारह चश्मे जारी हो जाएंगे बारह चश्मे निकलेंगे पत्थर से अति मूसा ने मारा बारह चश्मे निकले उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है असल में कहने का मतलब ये था ये मतलब निकालने वाली बातें हुई है ना मतलब ये था कि तुम आसान से टेक लगाते हुए पहाड़ पर चढ़ जाओ पहाड़ पर जब चढ़ोगे तो वहाँ बारह चश्मे तुमको मिल जाएंगे तो वहाँ मारने वारने की बात नहीं है, है ना असल में इजरप आता है मारने के लिए मारो इजरब मारो तो कहते हैं लेकिन इजरब बी आसा लकड़ी से मारो कहते हैं कभी कभी बा का इजरब के साथ बा आता है ना बी तो फिर उसका माना हो जाता है चलना तो जब चलना हो जाता है तो ये कि इधुलब्यासा के ब्यासा अपने असा की मदद से चलो चलो हजर पत्थर को कहते हैं लेकिन यहाँ पहाड़ मुराद है तो पहाड़ पर चढ़ जाओ है ना वहाँ तुमको बारह चश्मे मिल जाएंगे तो उसने अम्ब अक्राम के मुआजात का इस तरह से यानी कि उल्टे सीधे मानी बयान करके इनकार कर दिया तो कहने की बात यह कि इस तरह के यानी लोग होते हैं कि जो तहरीफें करते हैं जो मानी को बिगाड़ते हैं यहूद नसारा तो यानी अगर सैयद काफिर हो जाए तो फिर वो सैद नहीं रहेगा वो आम आदमी हो जाएगा वो काफिर होगा आम आदमी भी नहीं रहा आम मुसलमान भी नहीं रहा वो तो काफिर हो गया तो सियादत से खारिज अब हम नहीं कह सकते कि नहीं वो कैसा भी आले रसूल है आल रसूल ही नहीं है वो नहीं। तो है ना हति नाब तो तस्म का वाक़ बड़ा मशहूर है कि उनका एक बेटा क्रन और सारे बेटे तो मोमिन थे लेकिन एक बेटा क्रान वो काफ़िर था और जब वो काफिर था तो हतिनि साहब ने उसको बड़ा मनाया जब ईमान ले आओ मेरी कश्ती में जब आएगा सैलाब तो मेरी कश्ती में आ जाना वो भी बड़ा अकड़ू है ना अकड़ में रह गया ऐसे बहुत से लोग होते हैं वो अपनी अकड़ ही में रह जाते हैं हमको क्या ज़रूरत है तो तेरी ज़रूरतें सारी निकल जाएगी एक दिन तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी तो वो अकड़ू अकड़ में रह गया उसने क्या सोचा मुझे क्या ज़रूरत है कश्ती में सवार होने की सैलाब आएगा पानी आएगा तो कितना आएगा कितना आएगा मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे दीन की ज़रूरत नहीं तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं है मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा लेकिन जब आया अजाब आया अल्लाह ने ज़मीन से भी पानी उबल उबल के निकल रहा था आसमान से बारिश बरस रही थी और फुल पानी इतना पानी अब पानी की लिमिट भी ये ऐसी नहीं है कि भाई इस इलाके में इतना है उस इलाके में इतना नहीं ये यानी कि इतना आया कि जहाँ जितनी ज़रूरत थी अगर कोई बंदा दसवें माले पर रहता हो तो दसवें माले जितना आया अगर कोई पहाड़ पर चढ़ गया तो पहाड़ जितना पानी आया है ना और जहाँ थोड़ी सी जरूर झोंपड़े थे तो वहाँ झुपड़ों में जितना ही पानी आया लेकिन बहा कर सबको ले गया पूरी दुनिया में सैलाब था और पूरी दुनिया की सारी बस्ती हालांकि पूरी दुनिया में इतने सब लोग फैले हुए नहीं थे है ना वो थोड़े ही लोग थे जो फैले हुए थे तो जितने भी थे सबको बहा कर ले गया एक भी इंसान बाकी ना रहा दुनिया में सिवाय उन लोगों के जो उस कश्ती में सवार थे सिवाय उन लोगों के ये बिल्कुल ख़त्म इंसानियत ख़त्म हो गई सिवाय उन लोगों के जो कश्ती में थे बाज़ो ने तो कहा कि वो बारह ही अफराद थे बाद ने कहा चालीस थे बाज़ ने कहा सत्तर थे हम कहते भाई सत्तर ही मान लो लेकिन ये कि उसके बाद जब कश्ती से उतरे हैं तू अम उनकी बीवी उनके तीन बेटे उनकी तीन बीवियाँ और कुछ ईमान वाले ये सत्र अफराद थे उस कश्ती में जब कश्ती यानी कि जूदी पहाड़ पर लगी पार हो गए सैलाब ख़त्म हो गया सारी लोग ख़त्म हो गए तो फिर सैलाब भी ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है ना वो कश्ती जो है जुदी पहाड़ पर लगी और उसके बाद वहाँ से जो है हती इस्लाम और उनकी बीवी और जितने मोमिन थे उनके भी फिर धीरे धीरे उनकी कोई की किसी की औलाद नहीं हुई सबके इंतकाल हो गए और ये तीन बेटे हत नू के थे साम हाम और याफिस हरत साम हाम और याफिस इन तीनों बेटों से फिर औलादें यानी कि इंसानियत चली तो इसी वजह से हरत नाम को आदम सानी भी कहा जाता है दूसरे आदम एक आदम आदम थे पहले आदम आदम के जो जिनसे इंसानियत की इब्तः हुई थी और शुरुआत हुई थी लेकिन एक बार एक ज़माना वो आया कि सारे इंसान ख़त्म हुए अब जो नस्ल चली और पूरी दुनिया में आज जितने भी लोग हैं वो इन तीन बेटों की औलादें हैं उसमें याजूज़ माजूज़ भी आ गए याजूज़ माजूज़ जो सद्य सिकंदरी के पीछे बंद है गुफाओं में रहते हैं उनके बड़े बड़े दांत हैं बड़े बड़े कान हैं है ना और वो निकलेंगे और वो ऐसी कौम है कि वो इंसानों को उठा उठा कर खा जाए रास्ते में जो आएगा वो खा जाए सारे तालाब का पानी पी जाए ऐसी कौम याजूज़ माजूज़ तो ये कौम भी हरत याफिस की औलाद है तो दुनिया में फ़िलहाल ये या, यानी याजूज़ माजूज़ और तुर्क तुर्की जितने हैं ये सब जिन्हें हम मंगोल वगैरह कह रहे हैं तो ये तुर्की और इस यानी ये सारे लोग जो हैं वो याज यानी हरत याफिस की औलाद है और हत हाम की औलाद अरब अहले अरब है वो हत हाम के औलाद हैं उसके अलावा जितने अजमी हैं ये एशियाई या जितने भी हैं तो यूरोपीय वगैरह वो सब हत शाम के औलाद हैं तो कहने की बात यह कि ये तीन से आज पूरी दुनिया में नस्ल इंसानी मौजूद है इसलिए हत नाम को सानी यानी कि दूसरे इंसानियत के दूसरे बाप भी कहा जाता है असल बात ये बता रहा था मैं तो दूसरी बात आ गई कि कनान से कहाँ के आ जाए लेकिन उससे कहना मैं तो नहीं आऊँगा मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी तो पहाड़ पर चढ़ गया पहाड़ के एकदम ऊपर चोटी पर चढ़ गया कि यहाँ तक तो पानी आना ही नहीं है लेकिन फिर जब सैलाब आया कश्ती तैर रही है है ना और हत नाम देख रहे हैं कि मेरा बेटा अब डूबने वाला है तो उन्होंने पुकारा रब की बारगाह में दुआ की मुनाजात की अल्लाह ये मेरा घर वाला यानी ये भी तो मेरा घर वाला हत अल्लाह ने पहले से हत नूल इस्लाम से वादा किया था ए नूह तुम कश्ती बनाओ मैं तुम्हारे लोगों को तुम्हारे घर वालों को मैं महफूज रखूँगा बचाऊँगा तो इन्होंने कहा अल्लाह मेरा घर वाला है मिन अहली ये मेरा इन न बनी मिन अहली ये मेरा बेटा मेरा घर वाला और तेरा वादा तो सच्चा है तूने तो वादा किया ये नहीं यानी इनकी ज़बान पर ये नहीं आया कि अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले ये नहीं आया बस इतना क्या अल्लाह मेरा बेटा मेरा घर वाला है और तेरा वादा सच्चा है है ना तो अल्लाह ने जवाब दिया ए नूह वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है अनूह वो तुम्हारा बेटा ये तुम्हारा बेटा नहीं है ले समिन अहलिक वो तुम्हारा अहल नहीं तुम्हारा घर वाला नहीं वो तुम्हारा बेटा नहीं है है ना तो अल्लाह ने कह दिया कि ये तुम्हारा अहल नहीं है यानी कि तुम्हारा घर वाला तुम्हारा बेटा नहीं है क्यों नहीं है इसलिए कि जो रिश्तेदारी है वो कराबत दीनी की वजह से दीन की वजह से रिश्तेदारी होती है अगर वो रिश्तेदार हमारे दीन का है तो हमारा रिश्तेदार है अगर वो हमारे दीन का नहीं तो फिर वो कुछ भी नहीं अगर से माँ बाप हो वो भी रिश्तेदार नहीं माँ बाप भी अगर दीन से पलट जाएं दीन इस्लाम छोड़ दें तो फिर हमारे वो भी रिश्तेदार नहीं है हम समझ लें कि हम लावार यतीम हैं हमारा कोई बाप नहीं हमारी कोई माँ नहीं ये यानी कि हमारा रिश्ता सारे इंसानों में अहल ईमान से भाईचारगी का रिश्ता है और हमारा रिश्ता ही उसी से जो है जो अहिल ईमान हो जो ईमान वाला नहीं वो हमारा नहीं जो ईमान वाला है वो हमारा है ये बात है तो बहरहाल कहने की बात यह है कि अगर सैयद भी कुफ्र तो फ्र करे या उसके अकीदे अगर ख़राब हो जाएँ तो फिर उसे सैयद नहीं कहेंगे फिर उसकी ताज़ीम ज़रूरी नहीं है वो सैयद होने से निकल जाएगा उसकी यानी कि कम्युनिटी बदल जाएगी चेंज हो जाएगी है ना बहरहाल तो ये जो है अल्लाह तबरक तारा ने फरमाया कि ये नबी यानी कि ये इब्राहिम से करीब वो लोग हैं जो मुतमीन हैं उनके पैरोकार जो ईमान लाए थे और ये नबी ये नबी उनके यानी हत इब्राहिम के ज़्यादा करीबी और ज़्यादा हकदार हैं वल्लिन आमनू और ये अहिल ईमान कि जो हत इब्राहिम के दीन जैसा ही दीन मानते हैं उसी दीन की तरह का दीन मानते हैं उनका भी दीन इस्लाम इनका भी दीन इस्लाम है तो ये करीबी है अगरचे हमारा और उनका बहुत लंबा फ़ासला है चार साढ़े चार हज़ार नहीं उससे भी ज़्यादा यानी कि साढ़े तीन और चा पाँच पाँच हज़ार साल का फासला हो गया हमारा हत इब्राहिम से फ़िलहाल हमारा हमारा पाँच हज़ार साल दूरी का फ़ासला है लेकिन फिर भी हम करीब हैं इसलिए कि हम हत इब्राहिम के दीन आ, आ, को मानते दीन इस्लाम को मानते दिन इब्राहिमी के मानने वाले हम हैं हमारा दीन भी दीन इब्राहिमी है दीन महमदी वही दीन इब्राहिमी है जो दीन इब्राहिमी है वही दीन महमदी है तो हम उनके ज़्यादा करीब अल्लाह फरमाता अबरा, 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 अल्ला है इन अब इब्राहिम अल्लिन आम जो ईमान वाले हैं नबी भी और ईमान वाले भी तो बहरहाल ये आयत मुबारक इसका शान नजूल क्या है ये यानी यानि कि नाजुल कबू कहते इब्राहिम के ज़्यादा हक़दार जो हैं वो ये लोग हैं कहते हैं रजी अल्लाह अब्दुलब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा यहूदियों के जो सरदार थे बड़े बड़े सरदार रईस रोसा जामा उम्रा वो सारे रोसा जो हैं उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर होकर एक दिन अर्ज़ किया कि या रसोल्ला ए मोहम्मद वो तो यानी ये मोहम्मद कहेंगे लेकिन हम यार रसोल्ला कहें उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसोल्ला सल्ला वसम आप तो जानते हैं कि हमें हत इब्राहिम से बड़ा कुर्ब हासिल है हम उनके बड़े करीबी हैं है ना इसलिए कि उनकी औलादों में हमारा शुमार होता है तो और ये कि वो भी वो यहूदी थे हम भी यहूदी हैं आप सिर्फ़ हसद की वजह से जलन की वजह से जो ना आप इस बात का इनकार करते हैं कि हम जो है हत इब्राहिम के दिन पर नहीं है हम इब्राहिम के करीबी नहीं हैं तो ये आदत नाजिल हुई कि नहीं नहीं तुम झूठे हो हत इब्राहिम के करीबी तो उनके मुतबईन थे जो उनके पैरोकार थे उनके ईमान लाने वाले या ये नबी मेरा महबूब ये उनके क़रीबी हैं और ये इनके मानने वाले जितने भी उम्मत मोहम्मद है ईमान वाले वो भी हत इब्राहिम के करीबी हैं वाह वलीगुलमिन और अल्लाह ममिन का वाली है अल्लाह मामीन का वली है नासिर है मददगार है हामी है है ना वली का माना मददगार हामी नासिर तो एक तो यानी ये शान नसल एक शान नसल ये भी बयान किया जाता है उसीब इब्राहिम का कि हद अब्दुल अब्बास वगैरह ने एक रिवायत बयान किया कि जब बाज़ मुसलमान जो है ना वो कुफ़ार कुफ़ार मक्का मुसलमानों को परेशान कर रहे थे तो कुछ मुसलमान हिजरत करके हफशा चले गए और जब हिजरत करके हफशा चले गए तो वहाँ जाकर उन्होंने पनाह ली वहाँ रहने लगे तो कुफ़ार मक्का को चैन नहीं पड़ा उन्होंने कहा यार हमारे हाथ से हमारे लोग निकल गए हमारा दीन छोड़ कर, दूसरे दिन में गए और हमारे हाथ से बच के निकल भी गए ये तो नहीं होना चाहिए वापस लाओ तो उन्होंने दो लोगों को भेजा इब्न आस और उमारा इब्न अबू मुईद अब इब्न आस आश रदगी तैयारन हो बाद में सहाबी हुए लेकिन अभी हालत गुफर में है तो इब्न आस को भेजा उमारा इब्न अबू मुईद को भेजा कि तुम दोनों जाओ नजाशी बादशाह वहाँ के जो बादशाह हैं नजाशी उनसे जाकर जो है ना तुम बात करो और हमारे जो लोग यहाँ से भाग कर गए उनको पकड़ कर वापस लाओ हम उनको बराबर बताते हैं मजा चखाते हैं है ना हमसे भागने का हमारा दिन छोड़कर भाग जाने का नतीजा क्या होता है उसका क्या बुरा अंजाम है हम इनको बताएंगे कहा ठीक है ये दोनों गए और जाकर उन्होंने नजाशी बाशाह को पट्टियाँ पढ़ाई कि ऐसा ऐसा है और वो जो है हमारे यहाँ से भाग कर आ गए हैं और वो जो है दीने यानी कि तुम्हारे दिन पर भी नहीं यानी कि वह नजाशी बाशाह और हफशा वालों का दिन जो है ईसाइत था नसरानी थे वो तो तुम्हारे दिन पर भी नहीं है और आप उनको बुला कर देख लें वो ऐसे लोग हैं कि वो आपको सजदा भी नहीं करेंगे आपके दरबार का प्रोटोकॉल है कि जो भी आता है आपके दरबार में आकर सजदा करता है वो आपके दरबार में सजदा भी नहीं करेंगे इतने तो हड़धर्मी ज़िद्दी हैं ऐसे लोग हैं ऐसे ज़िद्दी लोग हैं ऐसे हड़दर्मी हैं और बड़े सरकश लोग हैं बड़ा उन्होंने फसाद फैलाया हुआ हमारे मुल्क में भी फसाद फैलाया भाग कर यहाँ आ गए और अगर तुमने रहने दिया तो तुम्हारे मुल्क में भी फसाद फैलाएँगे तो इनको हमारे हवाले कर दो तो हम पकड़ कर ले जाएंगे इनको बताएंगे कि हमारा दिन छोड़कर भागने का क्या अंजाम होता है नजाशी ने कहा ऐसे ही नहीं दे दूंगा नजाशी बादशाह ने कहा भाई ऐसे ही नहीं दूंगा हाँ पहले उनसे भी तो तुम्हारी सुन ली तो उनकी भी तो सुन लूँ कि वो क्या बोलते हैं उन्हें बुलाया गया कि भाई बुला लाओ तो बुलाने आए तो अब ये सारे लोग मुसलमान अब क्या होगा भाई ये भी तो नसरानी वो काफिर फिर मुशरक थे तो ये नसरानी है अब क्या होगा लेकिन ये था कि ये बादशाह रहम करम में बड़ा मशहूर था इसीलिए हबशा की तरफ हिजरत की थी कि सरकार ने फरमा था कि हबशा का बादशाह न बड़ा रहम दिल है वहाँ चले जाओ वो तुम्हें पना देगा तो इन्होंने सोचा हिम्मत रखी कि चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा रहम दिल बादशाह है हमारी सुनेगा तो बहरहाल हाज़िर हुए हत जाफर तैयार जाफर अबु तालिब अब नबालि रदगी वो भी थे है ना तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग यानी कि मेरे हवाले कर देना इससे बातचीत मैं करूँगा तुम लोग खामोश रहना बातचीत मैं करूँगा क्या ठीक है अब जब वहाँ पहुँचे नजाशी बादशाह के दरबार में तो जाहिर सी बात है उन्होंने आकर हत जाफर तैयार ने जो ना दरवाज़े गेट पर आकर कहा हजबुल्ला अल्लाह की जमात आई है इजाज़त है अंदर आने की ओहो वो नजाशी बादशाह ऐसा चौंका अल्लाह की जमात आई है उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आओ अल्लाह की पनाह में आ जाओ पहला जो जुमला था ना बिल्कुल पाकिजा जुमला था अल्लाह की पनाह में आ जाओ आ गए अब कहा कि भाई हाँ तो पहली बात तो ये कि तुम लोग आए सीधे 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 खड़े हो गए मुझे सजदा क्यों नहीं किया तुम्हें नहीं पता कि मेरे दरबार में जो भी आता है सजदा करके आता है उन्होंने कहा हम उस खालिक जो पैदा करने वाला है उसके सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते वही खालिक है जिसने तुम्हें भी हमें भी पैदा किया तुम्हें भी पैदा किया और यह तख्तो ताज पर तुम्हें बिठाया उसी खालिक का हम सजदा करते उसी के आगे सर झुकाते उसके सिवा किसी के आगे नहीं झुकाते नजाशी बाशाह ने कहा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है भाई ईसाइत की भी यही तालीम हत ईसा की भी यही तालीम थी कहते एक अल्लाह ही के सामने सर झुकाना चाहिए बहुत सही है तो तुम में भाई बात कौन करेगा तुम्हारा सरदार कौन तो सब ने उंगली उठाई जाफ़र जाफर, जाफर तैया तो हत जाफ़र को हाँ भाई आगे आ गया जाओ तो हत जाफ़र आगे आगे बाकी सब पीछे आप पूछा कि भाई चलो क्या यानी तुम्हारा जो पैगंबर है वो कौन है उनके बारे में बताओ उन पर क्या नाजिल होता उन है उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है वो ये तालीमत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ एक अल्लाह की इबादत करो किसी के अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ बुत परस्ती ना करो नजाशिकता बिल्कुल सही ईसा सलाम ने भी यही तालीम दी थी है ना यही तालीमत है सही है सही है तो कहा कि भाई कुछ जो नाजिल होता है वो कुछ सुनाओ तो हत जाफर तैयार जो हैं उन्होंने कुछ यानी कि सूरतें सुनाई सुर कहफ भी सुनाई है और कुछ और सूरतें भी सुनाई कुछ सूरतें सुनाई तो नजाशी यानी बादशाह और सारे लोगों पर सन्नाटा था बिल्कुल खामोशी से सुना फिर उसके बाद इब्न अमरिद्यास ने कहा ये तो यानी लग रहा है कि हाथ से निकल जाएगा तो कान में जाकर कहा कि अमरिबनास अभी कुफुर में है इसलिए है ना फिर बाद में मोमिन हुए हैं और नजाशी बादशाह की दावत पर मोमिन मोमिन हुए हैं मुसलमान हुए तो आ, नजाशी बादशाह के कान में जाकर कहते हैं अमरिद्यास के देखा इनका अकीदा तुम्हारे ईसा मरियम के बारे में भी अच्छा नहीं है पूछ देखो कैसा अकीदा है तो कहाँ भाई तुम्हारे पास हमारे ईसा ऊसम और हत मरियम के बारे में भी तुम्हारे पास कुछ है तो सुनाओ तो हत जाफर तैयार तो ने सुर मरियम शुरू कर दी काफ का स्वाद जिक्रहद्रिया यानी कि बिल्कुल शुरू कर दी अब हत मरीम हतिसा का जिक्र आया और ये पढ़ते जा रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं आँखों से आंसू जारी है और फिर जब सूरत ख़त्म की इन्होंने पढ़ना ख़त्म किया हत नजाशी बाशाह खड़े होकर उनकी पेशानी पर बोसा लिया खुद भी मुसलमान हो गया इनको देख बहुत से लोग मुसलमान हो गए बहुत से लोग मुसलमान हो गए और इन्होंने अमर अब्दास और जो अमारा अबू मईद था उससे कहा भाई मैं इनको हवाले नहीं करूँगा ये हमारे इनको आज़ाद है कि मेरे मुल्क में जहाँ चाहे रहे घूमे फिरे आ इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है ना अब तो मैं भी मुसलमान हो गया हाथ लगा कर तो दिखा है कोई है ना एक नजाशी बादशाह देखें इन्होंने सरकार को नहीं देखा तो सहाबी नहीं है ताबई है सरकार के ज़माने में थे लेकिन ताबाही है कि सरकार को नहीं देखा वो हबशा में इथोपिया आजकल उसे कहा जाता है आप देखिएगा कभी गूगल मैप में जाकर नक्शा देखिए तो आपको पता चले नक्शे में आपको पता चलेगा कि मक्का इधर है अरब और बीच में समंदर है और यहाँ इथोपिया है ये तो समंदर पार करके इथोपिया आप आ सकते मक्का से ऐसे आएंगे नीचे तो इथोपिया है ऐसे हबशा इसको यानी ये हबशा था आजकल इथोपिया कहा जाता है तो बहरहाल कहने की बात यह कि अति नजाशी बादशाह जो ना वो मुसलमान हो गए तो उमारा अबू अबूद और इब्न आस वो परेशान के अब क्या करें है ना यहाँ से तो ऐसे ही खा यानि कि मुँह की खाकर जानी पड़ रही है लेकिन बहरहाल बाद में नजाशी बादशाह ने ये कुछ दिन ठहरे तो एक दिन इब्न आस को बुला कर कहा था अम तो आए खाँ जी एक बात बताऊँ तेरे एक फ़ायदे की बात है बताओ बताओ बता। तो क्या फ़ायदे की बात यह है कि तू तो बड़ा जहीन आदमी है मैंने सुना तेरी बड़ी तारीफ है सुनी है मैंने तू तो बड़ा जहीन आदमी है और बड़ा सियासी आदमी है सियासत में भी माहिर और तेरी अक्ल के तो चर्चे हैं तो तू कैसे उस दिन से दूर रह गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है तू उस दिन से कैसे दूर रह गया मेरी समझ में नहीं आता तो वो हक पर है अरे बिल्कुल हक पर है अगर हक पर ना होते तो मैं मोमिन होता मैं इस्लाम लाता वो तो बिल्कुल हक पर है तुझे चाहिए कि तू इस्लाम ले आए का ठीक है तो यहाँ मुसलमान हो गए इब्न आस नजाशी बादशाह के हाथ पर मुसलमान हो गए लेकिन इजहार नहीं किया बाद में जो है इन्होंने इजहार किया है बहुत बाद में लेकिन अभी तो कुफान मक्का का भी थोड़ा सा ये था मसला था इसलिए अभी इज़हार नहीं किया और वहीं पर रहे फिर मक्का भी आए बहरहाल नजाशी बादशाह एक मैं बताना था कि वो ताबई है हुजूर के ज़माने के हैं ताबई हैं सरकार को नहीं देखा लेकिन मुसलमान हुए सिर्फ़ एक ये इंसान ऐसे हैं कि सरकार ने गायबाना तौर पर इनकी नमाज जनाजा पड़ी इंतकाल हुआ हुजूर के ज़माने ही में इंतकाल हो गया इंतकाल हुआ है ना हबशा में वहाँ इंतकाल हुआ सरकार साहबा को लेकर मस्जिद नव्य से बाहर निकले कि भाई नजाशी बादशाह का इंतकाल हो गया यहाँ सरकार खबर दे रहे हैं कोई ख़त नहीं कोई टेलीफोन मोबाइल कोई तार कुछ नहीं आया कोई कासिद ख़बर देने नहीं आया हुजूर ने साहबा से फरमाया कि नजाशी बादशाह का इंतकाल हो गया चलो हम अपने भाई नजाशी की नमाज जनाजा पढ़ते हैं सारे साहबा को लेकर बाहर निकले और उधर यानी कि रुख कर लिया है ना अल्लाह हु अकबर कह के, के नमाज जनाजा पढ़ाई है सरकार ने सामने कुछ नहीं है वो हफशा में इंतकाल किया हुआ है तो अब फरमाते हैं कि यानी आमा फरमाते हैं हदीस फरमाते हैं कि दो चीज़ या तो ये यानी कि हत नजाशी बादशाह का जनाजा जहाँ रखा हुआ था वहाँ से पर्दे उठा दिए गए सरकार को जनाजा सामने नजर आ रहा था सामने नजर आ रहा था और इसलिए सरकार ने आपकी नमाज़ जनाजा पढ़ी और ग़ायबाना पढ़ी गायबाना, गायबाना यानी इस हदीस को लेकर बहुत से लोग कहते हैं कि गायबाना नमाज़ पढ़ना जायज़ खास तौर तो पर जो गैर मुखल्दी हैं जो किसी इमाम के मानने वाले नहीं जिन्हें वहाँ भी कहा जाता है वो ये यानी या उनका मानना है कि याबाना तौर पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है इसी तरह शवाफ़ वगैरह भी ऐबाना नमाज के क़ाइल हैं किबाना नमाज जायज़ है पढ़ सकते यानी कि किसी का मिसाल के तौर पर इंग्लैंड अमेरिका में इंतकाल हो गया या यूपी बिहार में इंतकाल हुआ और बंदा यहाँ है तो यहीं से अल्लाह उगर कह खड़ा हो जाए नमाज जनाज़ पढ़ ले है ना ये कहते हैं जायज है लेकिन अक्सर नजदीक और हमारे नजदीक खास तौर पर जायज नहीं है इसलिए अगर जायज होता तो जाफर तैयार जंग में शहीद हुए हते अब्दुल रवाहा शहीद हुए हैं हथे जैदब ने हारसा जो सरकार के बहुत करीबी मुंह बोले बेटे थे है ना? वो शहीद हुए जंगे महता में सरकार ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है उनकी भी नहीं पड़ी। अगर गायबाना नमाज जायज़ होती तो सरकार तीनों की नमाज जनाजा पढ़ते और फिर सरकार की वफ़ात हुई तो साहबा में से किसी ने भी गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ी कि कोई मक्का में था तो वहीं से पढ़ ली हुजूर के लिए नमाज जनाजा ऐसा भी नहीं हुआ तो कहने की बात यह कि नमाज जनाजा गायबाना तौर पर जायज़ नहीं है यहाँ जो मौजूद है वही लोग पढ़ेंगे तो बहरहाल ये जो है इन्होंने नजाशी बाशाह जो है उन्होंने ईमान कबूल कर लिया इस्लाम लिया है तो अल्लाह तबारक तौल ने इसी यानी कि पस मंज़र में कि ये लोग चाहते हैं यानी को मक्का जो है वो ये चाहते थे वो ये कहते थे कि दीन इब्राहिम पर हम हैं दीन इब्राहिम पर हम हैं और हमारा दीन इब्राहिमी छोड़ कर इन्होंने दूसरा दिन इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक ने फरमा करना है ना ज़्यादा इब्राहिम से करीब तो ये यानी कि उनके मुतबईन थे ये नबी ये महबूब हैं और जो इनके मानने वाले ममिन हैं वो भी हर इब्राहिम से ज़्यादा करीब है इधर यानी कि एक और जो दूसरी आयत मुबारक है आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर उनहत्तर में वद मिन अहल लव किताब लवून वमा युज़लू नून और अहल किताब यानी यहूद नसारा यह ज़्यादातर यहूदी ही मुराद हैं यहाँ यहूदियों का हाल यह कि वो बहुत चालें चलते हैं लेकिन यहूद नसारा सब सबका एक ही हाल है यह अहल किताब यहूदी और नसरानी है इनका हाल यह है कि वो चाहते ये हैं कि हमें दीन इस्लाम से फिरा दें और हमें दीन इस्लाम से फिराने के लिए वो कई कई चालें चलते हैं खुफिया चालें ऐसी चाल कि जिससे मुसलमान उसमें फंस कर दीन इस्लाम से दूर हो जाए और हमारे मुसलमान हो रहे हैं दूर हमारे मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो रहे हैं इस्लाम की तालीमत से दूर हो रहे हैं उन्हें अल्लाह रसूल की तालीमत से अल्लाह रसूल से कोई लेना देना नहीं बस नाम के मुसलमान हैं काम में तो बिल्कुल है ना इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है और वो धीरे धीरे दूर होते होते फिर एक ज़माना वो आता है कि इतने दूर हो जाते हैं कि उन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता वो कुफर शिरक तक कर बैठते हैं आप देखें केरला का जो है ना आरिफ मोहम्मद करेक्ट यानी वो है आरिफ मोहम्मद वहाँ का गवर्नर था पहले है ना तो उसकी आप ज़बान देखें तो वो भी हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लाम की यानी बज़ा वो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बकवास करता रहता है तारिक फतह पाकिस्तान से भागा भगोड़ा तो वो भाग कर आया कहाँ यानी हिंदुस्तान इंडिया ने उसको पना दी और तारिक यानी कि फ़तह वो जो है वो भी मुसलमानों के खिलाफ बकवास से करता रहता है ये नाम मुसलमान है अपने आप को मुसलमान कह रहा है है ना वो देख लें वसीम रजवी नाम का कुत्ता उसका क्या हाल है वो भी तो ऐसा ही इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ बकवास कुरान की आयतें बदल डालो ये कौन मुसलमान होगा जो इस तरह की बात करेगा भाई तूने कुरान को नहीं समझा अगर तू कुरान को समझता तो ये बात ही नहीं करता है ना और अगर कुरान यानी तुझे ये लगता है कि ये तेईस आयतें ऐसी जो आयतें जिहाद है जिहाद के आयतें? अगर तुम उन्हें समझो तो तुम्हें पता चले कि अल्लाह ने बेकसुर को मारने का थोड़ी ना हुक्म दिया बेकसरों को मारने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने पूरी लाइफ स्टाइल हमें कुरान में बयान कर दिए खुफारो मुशरिकीन के साथ रहने का भी तरीका सिखा दिया कि उनके साथ कैसे रहना और ये जहाँ जहाँ जिहाद की आयतें आई हैं लड़ाई की जंग की तो वो ज़रूरत की वजह से आई है है ना ज़रूरत की वजह से वरना तो आप सर्जिकल इस्ट्राइक की कभी तारीफ़ ही नहीं करते अब क्यों सर्जिकल इस्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर जाकर हमला करके आए तारीफ़ क्या कर रहे हो बकवास काम किया ये कहना चाहिए कि बकवास काम किया तुम हमला कर दो लोगों पर इंसानों पर हमला किया तुमने ये कोई अच्छा काम थोड़ी है लेकिन हर हिंदुस्तानी तारीफ़ कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान में जाकर है ना हमला करके आ गए बहुत अच्छी अच्छा काम किया है ना तू समझो कि ये तारीफ़ क्यों हो रही है लड़ाई झगड़ा करके आए और तारीफ हो रही है बंदा जंग करके आ रहा है छुपे तौर पर और तारीफ कर रहा है क्यों इसलिए कि हर कोई जानता है कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी कौम की हिफाजत के लिए अपने दीन की हिफाजत के लिए अगर कभी ऐसा मौका आए भाई आपके घर पर आपके घर पर हमला हो जाए तो आप हाथ जोड़ कर ले, ले गर्दन काट ले है ना लूट ले तो कहते हैं कि इसको नहीं कहते हैं कि नहीं ये बंदा सही था ये ठीक अच्छा बंदा था इसने कुछ हाथ भी नहीं उठाया नहीं हर कोई गालियां दे रहा होगा अगर वीडियो बन गई ना कैमरे लगे हुए तो वीडियो बन के बाद में वीडियो आई कि बस ऐसे बंदे ने कर ले, ले भाई काट ले और ले जाओ है ना तो कहते हैं, हर कोई गालियां देगा भाई कैसा था बेवकूफ़ पता तो था कि मरना ही है तो क्या मैं एक, एक आध दो को मार कर मरता लोग यही कहेंगे इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे है वो जब मारने आया था तो बंदा ये काम करता कहने की बात यह कि वो आयात जिहाद जो है ना तेईस आयतें वो ये नहीं सिखाती कि जहाँ देखो वहाँ मार धाड़ करो बेकसुर को मारो नहीं ये नहीं सिखाती है तो उसने कुरान समझा नहीं बस आयत जिहाद किताब जंग की बात है तो निकालो अरे पूरा महाभारत जंग से भरा पड़ा है किसने कहा कि निकाल दो महाभारत को मिटा दो है ना रामायण में पड़ी हुई बात है बातें जंग की ये कृष्ण जो है उसने बाकायदा चालें बताई हैं अर्जुन को कि भाई तू ऐसे जंग कर वैसे जंग कर कौरव पांडवों की जंग हुई है तो कृष्ण ने बड़ा अहम रोल अदा किया है उसमें तो भाई ये जंगें तो ज़रूरी है है ना और वो जंग यानी होती है होती है तो इस्लाम ने ये तालीम कभी नहीं दी है आप यानी कि जिहाद को बदनाम कर दिया लोगों ने बदनाम कर दिया और अब तो इतना बदनाम कर दिया घर जिहाद लो जिहाद है ना ज़मीन जिहाद कारोबार जिहाद है ना वो कोई भी नाम हो बस जिहाद डाल दो अब ये इनका ये जिहाद है पता नहीं कैसे कैसे जिहाद के नाम पैदा किए तो क्या इस्लाम इसकी यानी कि दहशत गर्दी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता बेकसरों को मारने की इजाज़त नहीं देता इस्लाम बड़ा महजब बड़ा प्यारा मजहब है और दिन इस्लाम को अगर कोई समझे और कुरान की तलीमत को अगर कोई समझेगा ना अगर इंसान बन समझेगा तो उसके समझ में आ जाएगी कि इंसानियत से हट कोई बात की नहीं गई है इंसान की फितरत उसकी लाइफ स्टाइल ये है कि अगर आपके घर हमला होगा तो आप दो हाथ तो चलाओगे ही अपने वालों को बचाने के लिए और यही इस्लाम की तालीम है यही इस्लाम की तालीम है उसके सिवा और कोई तालीम नहीं है बहरहाल तो कहने की बात यह है कि एक जमात तो यह नसारा जो है वो ये चाहती है कि हम इस्लाम से दूर हो जाएं तो उनके प्रोपोगेंडे चल रहे हैं उनके प्रोपागेंडे चल रहे हैं वो तरह तरह से हमें दूर करना चाहते हैं अब देखें इंग्लिश का कितना भूत सवार कि हम हमेशा इंग्लिश इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं वो ये यानी इन्होंने पहले एक ज़माना था कि हिंदुस्तान हो चाहे दिगर ममालिक हो, हर जगह जो है ज़्यादातर फारसी चलती थी उससे पहले अरबी चलती थी ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि इंग्लैंड वगैरह के जो लोग हैं अमेरिका तो था ही नहीं वो तो था ही नहीं तो वो तो वास्को दी गामा ढूंढ निकाल कर लाया 200 साल पहले लेकिन उससे पहले के आप देखें तो इंग्लैंड ब्रिटेन मौजूद था पुराने ज़माने से तो वहाँ के लोग यूरोप के लोग ये सब ईसाई यहूदी जितने भी थे ये सब बगदाद आकर मदरसों में तालीम हासिल करते थे अरबी लैंग्वेज में पहले अरबी लैंग्वेज सीखते थे और फिर यही कुरान और हदीस की यही जोग्राफिया यही तारीख़ सब कुछ हमसे इन्होंने सीखा है केमिस्ट्री वेमिस्ट्री ये सब हमारा है ये सब हमारा है, लेकिन हमने फिर यानी कि मेडिकल साइंस में आप यानी कि हमारे यानी जाबिर हयान हैं जाबिर हयान हैं उसके अलावा हाथ यानी कि दूसरे और बहुत से लोग ऐसे यानी मेडिकल साइंस में मौजूद हैं कि जिन्होंने मेडिकल लाइन में काम किया है किसी ने सितारों में काम किया है चांद सूरज के यानी कि काम किए हैं बहुत से जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमर तो उसमें भी उन्होंने काम किया और ये ऑपरेशन करना जराही का काम दवाओं के ज़रिए इलाज और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज और ये सारी चीज़ें केमिकल के तल्ल से सारी मालूम ये सब मुसलमानों ने इब्तदा किया था और सारे लोग सीखते थे बगदाद आकर यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ था मदरसा था लोग यहाँ आकर सीखते थे फिर धीरे धीरे इन्होंने सारा असाशा ट्रांसफ़र कर लिया अब ये लगता है कि यार सबसे तरक्की तो उन्होंने की ये क्यों की इसलिए कि हमने खुद ही अपनी तालीमत को भुला दिया हम खुद दीन इस्लाम से दूर हो गए हमने अपनी तालीमात को भुला दिया अब हमारे लोग पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते हमारा आज देखें कितने लोग बैठे हुए हैं इसलिए कि सीखने से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है नमाज़ में दो सफ़ होगी लेकिन तफसीर में वही दस बारह लोग होंगे क्यों इसलिए कि हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस्लाम की तालीमत में कुरान हमें क्या सिखाता है हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है हम तो डी जे पर नाच लेंगे हम तो अपनी बड्डे धुम धड़ाके से मना लेंगे हम तो चड्डे पहन कर घूम लेंगे बस हमारा काम इतना ही है नाम है ना मुसलमान बस काफ़ी है मुसलमान है नाम के इतना तो बहुत हुआ हमारा नाम मुसलमान है तो एक दिन तो ये लोग हम मरेंगे ना तो एक दिन तो ये लोग चार कांधों पर उठा कर नमाज जनाजा पढ़ा कर दफन करके आ ही जाएंगे हम जैसे भी हुए दफना कर आएँगे ही कब्रस्तान में जगह तो मिली जानी है तो क्या फ़ायदा फिर दिन इस्लाम पर अमल करने का क्या फ़ायदा तकरीरें सुनने का क्या फ़ायदा कुरान की तरफ तो हमें दूर किया गया और ऐसे ऐसे कामों में लगाया गया अल्लाह के रसुलशात फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत के यानी आखिर में एक ऐसे यानी कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे कि जो ज़िना को और शराब को और नाच गानों को यानी कि मजामिर को म्यूज़िक को किसी और नाम से जायज़ कर देंगे किसी और नाम से जायज़ कर देंगे और ये रेशम रेशम पहनने को किसी और नाम से जायज़ कर देंगे आप देखें आजकल है लोगों ने जायज़ किया हुआ है देखें आ, मन्नत के नाम पर हराम यानी जेवरात कान की कड़ी पहनना हाथ के या पैर के कड़े पहनना ये मन्नत के नाम पर पहने जा रहे हैं नाम बदल डाला हराम काम तो हो रहा है ना अल्लाह के रसूल ने जिससे मना किया कुरान ने मना किया अल्लाह ने मना किया उससे उस काम को कर रहे हैं किस नाम पर मन्नत के नाम पर शराब नाम बदल दिया है नाम बदल कर अब वो जो है ना कोई और नाम से पी रहे हैं लेकिन पी तो रहे हैं किसी और नाम ही से सही है ना अब उसको यानी कि बियर कुछ लोग ऐसे हैं कि अब बियर से तो कुछ नहीं होता वो तो बस क्या थोड़ी बॉडी बनती है थोड़ा ये और या बियर नहीं तो कुछ और है कोई ड्रग्स है नशा तो कर रहे हैं नशा तो कर रहे हैं कोई और ड्रग्स के नाम से और ड्रग्स से लेकर नशा कर रहे हैं तो बहरहाल ये भी है इसी तरह से आप देखें नाच गानों म्यूज़िक को कवाली के नाम पर म्यूज़िक को जायज़ कर दिया है सरकार फरमाते मैं मजामिर को यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िक के उन्हें तोड़ने आया हूँ आज हमने फिर बसा लिए हैं आज हमने फिर बसा लिए ये ये नाम बदल कर है ना गाने हम बोलते थे तो हराम हराम करते थे कव्वाली के नाम पर हम बजा रहे हैं कव्वाली के नाम पर हम जायज़ कर रहे हैं तो ये नाम बदल कर हमने म्यूज़िक को भी जायज़ कर दिया यानी कव्वाली सुन वो तो जायज़ है वो तो जाय हो गया सरकार ने फरमा दिया था पहले ही कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाम बदल कर जायज़ कर देंगे और वो कर रहे हैं आज हमारे लोग कर रहे हैं है ना बर्थडे के नाम पर धूम धड़ाके कर रहे हैं इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं नहीं बहुत कुछ है अल्लाह ने जो उम्र दी थी उससे एक साल कम हो गया एक साल कम हो गया है लेकिन हमें उस पर अफसोस नहीं है हाँ अल्लाह ने हमें उम्र दी और अल्लाह ने हमें पैदा किया था उसका शुक्रिया अदा करते हो आप बर्थडे मनाएं ठीक है आपने कुछ फातिया दिलाकर केक भी लाकर खिला दी बच्चों को खिलाई बांट दी अच्छी बात है लेकिन अगर इतराओगे इतराओगे अकड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी कभी भी कामयाबी नहीं अता फ़रमाएगा अल्लाह ताला एक दिन ऐसी मार देगा ऐसी मार देगा कि तुम याद रखोगे है ना तुम सारी बर्थडे भूल जाओगे तुम सारे धुम धड़ाके भूल जाओगे तुम सारे डीजे पर नाचना भूल जाओगे सब कुछ तुम्हें याद आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया था बस है ना हम आ, अकड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारी अकड़ एक दिन निकल ही जानी है एक दिन निकल जानी है तो वो अकड़ जो है ना अल्लाह तला कब निकाल दे वो किसी को कुछ पता नहीं है तो अभी तो आयत की तफसीर मेरी बाकी है लेकिन इन शाला फिर आइंदा हफ्ते में इस पर मैं कुछ बात करूँगा वाख्रोल्लाबल वरहरक